देखिए फ्रेंड्स चैप्टर फिफ्टीन एग्रीकल्चर सबसे पहले कैटेगराइजेशन ऑफ फार्मर फ्रेंड्स एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग के बेस पर फार्मर को पांच कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं मार्जिनल फार्मर जिनके पास लैंड होल्डिंग एक हेक्टेयर से कम है स्मॉल फार्मर जिनके पास एक से दो हेक्टेयर है सेमी मीडियम जिनके पास दो से चार हेक्टेयर है मीडियम फार्मर जिनके पास चार से दस हेक्टेयर है और लार्ज फार्मर जिनके पास दस हेक्टेयर से ज्यादा है तो देखिए एट्टी सिक्स परसेंट फार्मर है इंडिया में वो स्मॉलर मार्जिनल फार्मर है उनके पास एवरेज लैंड होल्डिंग है वो वन पॉइंट वन हेक्टेयर है मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ईयर। कि साल में आप एक से ज्यादा क्रॉप लगाते हो तो वो मल्टीपल क्रॉपिंग है एक ही लैंड पे क्रॉपिंग पैटर्न मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या है साइमल्टेनियसली आप टू और मोर क्रॉप लगाते हो ऑन सेम पीस ऑफ लैंड और इंटर क्रॉपिंग में भी सेम है बट जो आप क्रॉप लगाते हो वो डेफिनेट पैटर्न में लगाते हो कि पहले एक क्रॉप की एक क्रॉप आपने दो तीन रो में लगाई फिर आपने दूसरी क्रॉप लगाई क्रॉप रोटेशन रोटेशन का मतलब एक क्रॉप लगाई आपने फिर दूसरी लगाई फिर तीसरी लगाई साल में आपने एक से ज्यादा क्रॉप लगाई एक तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया क्रॉप रोटेशन क्रॉपिंग सीजन देखिए नॉर्दर्न पार्ट नॉर्दर्न इंडिया में तीन क्रॉपिंग सीजन है खरीफ सीजन जो जून से सितंबर है जो रेनी सीजन है इसमें राइस कॉटन जूट ज्वार बाजरा ये सब क्रॉप होती है रबी सीजन है अक्टूबर से मार्च ये विंटर में होता है इसमें वीट ग्राम बार्ले, रेप सीड मस्टर्ड ये सब क्रॉप होती है और तीसरा सीजन है जायेद ये अप्रैल से जून में होता है इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो होते हैं ठीक है ये जो सीजन है ये नॉर्थन इंडिया में होता है सदर्न रीजन में इस तरह का सीजन नहीं होता क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया टू नेट एरिया सोन। यानी ग्रॉस एरिया सोन डिवाइडेड बाई नेट एरिया सोन। जैसे आपने किसी लैंड पे आप साल में तीन फसल उगाते हो तो क्रॉप इंटेंसिटी आपकी हो गई थ्री ग्रॉस क्रॉप एरिया थ्री डिवाइडेड बाई नेट वन तो थ्री हो गई क्रॉप इंटेंसिटी तो क्रॉप इंटेंसिटी है ग्रॉस ग्रॉस एरिया एरिया का मतलब है टोटल एरिया सोन वंस और मोर देन वंस इन ए पर्टिकुलर ईयर और नेट एरिया का मतलब है एरिया सोन मोर देन वंस इन द सेम ईयर इज काउंटेड ओनली वंस तो क्रॉप इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना हम लैंड का ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं इनम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट देखिए इनम अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था यह एक तरह से पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है देखिए जब भी फार्मर है वो अपनी फसल लेके आता है मंडी में सबसे पहले तो मंडी में बोली लगती है लोकल ट्रेडर बोली लगाते हैं तो ई से ये फायदा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल से कि बाहर बैठा दूसरे स्टेट में बैठा पर्सन भी बोली लगा सकता है तो इससे फार्मर को क्या है कि जो अपनी प्रोड्यूसर है उसको उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे देखिए एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है वो स्टेट का सब्जेक्ट है तो जितनी भी मंडी है वो स्टेट के अंदर आती है मंडी को मार्केट फी मिलती है जो भी सेल होती है तो यहाँ पे मंडी को कोई लॉस नहीं हो रहा है जो भी सेल होगी वो मंडी की बुक में जाएगी मंडी को मार्केट फी मिलेगी बट किसान को ये फायदा है कि बाहर बैठा ऑल ओवर इंडिया बंदा ऑनलाइन लॉग इन करके देख सकता है कि मंडी में क्या प्रोड्यूस आया है क्या ट्रेडिंग चल रही है तो वो भी बोली लगा सकता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ये सारी मंडियों को क्या करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आता है पीएम किसान पीएम किसान सेंट्रल सेक्टर स्कीम है हंड्रेड परसेंट फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है किसानों को सिक्स थाउजेंड पर ईयर का इनकम सपोर्ट मिलता है तीन इंस्टॉलमेंट में दो दो हजार के इंस्टॉलमेंट में मिलता है फंड उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाता है किसान क्रेडिट कार्ड देखिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में लॉन्च की गई थी तो किसान क्रेडिट कार्ड में क्या है जो फार्मर है वो बैंक से क्रेडिट लिमिट डिसाइड कराता है वो बैंक से लोन ले सकता है टू मीट दी शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसिज प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन कंजन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्मरसाइड एंड एक्टिविटी अलाइड टू एग्रीकल्चर ये शॉर्ट टर्म लोन है और ये सिक्स नंबर ही लॉन्ग टर्म लोन है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी तो किसान जो है वो बैंकों से लोन ले सकता है बैंक लिमिट फिक्स करते हैं किसान को स्मार्ट कार्ड कम डेबिट कार्ड में मिल जाएगा वो डेबिट कार्ड एक तरह से एटीएम कार्ड की तरह है, वो एटीएम से पैसे निकाल सकता है क्रेडिट लिमिट अंडर के सी सी फिक्सड बाई दी बैंक एज पर दी गाइडलाइन एक्स्यूट बाई दी आर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इम्प्लीमेंट कमर्शियल बैंक रीजनल रूरल बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक कोऑपरेटिव बैंक ये सारे इम्प्लीमेंट करते हैं देखिए आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है जो फार्मा एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज फिसरी, में एंगेज हैं उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी एक्सटेंड कर दी है सोयल हेल्थ कार्ड तो देखिए सोयल हेल्थ कार्ड है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू फार्मर ऑन न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ देयर सोइल एलोंग विद दी रिकमेंडेशन ऑन दोप्रिएट डोसेस ऑफ न्यूट्रिय टू बी अप्लाइड फॉर इंप्रूविंग फर्टिलिटी तो किसान को देखिए तीन साल में एक बार सॉयल हेल्थ कार्ड मिलेगा जिससे किसान को अपनी सॉइल का हेल्थ स्टेटस पता रहेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखिए जब बंपर प्रोडक्शन होता है तो किसानों को अपनी प्रोड्यूस सस्ते दामों में ना बेचनी पड़े तो गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करती है तो गवर्नमेंट एमएसपी ट्वेंटी टू मैंडेटेड क्रॉप एंड फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस ऑफ सुगर कैन तो टोटल तेईस क्रॉप के लिए गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस सी ए सी पी सी ए सी पी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करती है अप्रूवल एमएसपी का कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है वो प्रोवाइड करती है सी ए सी पी अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ये एक्सपर्ट बॉडी है इसकी रिकमेंडेशन जनरली गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है एम एस पी अनाउंस कब होती है जब भी सोइंग सीजन होता है खरीफ और रवि का उससे पहले अनाउंस होती है जिससे कि किसान डिसीजन ले सके कि कौन सी उसको क्रॉप लगानी है डिटर्मिनेंट ऑफ एम एस पी जो सी ए सी पी है वो एमएसपी डिसाइड करते समय ये सारे फैक्टर कंसीडर करती है डिमांड एंड सप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस ट्रेंड इन दी मार्केट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंटर क्रॉप प्राइसपेरिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर मिनिमम ऑफ फिफ्टी परसेंट एज द मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सी एस पी फिफ्टी परसेंट मार्जिन कंसिडर करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे और लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ एम एस पी ऑन कंज्यूमर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट तो जो बाईस क्रॉप है फोर्टीन क्रॉप तो खरीफ सीजन की है सिक्स रवि सीजन की क्रॉप है और दो कमर्शियल क्रॉप है जूट एंड कोपरा प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन देखिए गवर्नमेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में गरीबों को फूड ग्रेन देती है तीन दो एक रुपए में राइस व्हीट एंड कोर्स ग्रेन देती है गवर्नमेंट एमएसपी पे क्या करती है व्हीट एंड पेडी प्रोक्यूर करती है फार्मर से तो ये ओपन एंडेड है जो भी फार्मर मंडी में अपना प्रोड्यूस लेके आता है गवर्नमेंट एमएसपी पे प्रोक्यूर करती है फार्मर को अगर एमएसपी से ज्यादा मार्केट में मिल रहा है तो फार्मर मार्केट में बेच सकता है कोई कंपल्सर नहीं है कि उसको गवर्नमेंट को ही बेचना है तो गवर्नमेंट क्या करती है जो प्रोक्यूरमेंट होती है उसको एन एफ एस ए NFSA में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है वीट और राइस का तो गवर्नमेंट जो प्रोक्यूर करती है उसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती है गरीबों को अब देखिए प्रोक्यूरमेंट करने के दो तरीके हैं सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड में एफ सी आई प्रोक्यूर करेगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा या स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्यूर करेगी एफसीआई को दे देगी फिर एफ सी आई बाद में स्टेट गवर्नमेंट को देगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोक्यूर करेगी और जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में पब्लिक को देना है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी और जो बैलेंस बचे आएगा वो एफ सी आई को वापस कर देगी तो आजकल जहा डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट सिस्टम चल रहा है फूड सब्सिडी देखिए फूड सब्सिडी में तीन एलिमेंट है पहला कंज्यूमर सब्सिडी कंज्यूमर सब्सिडी का मतलब डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक कॉस्ट एंड सेंट्रल इश्यू प्राइस देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट टू एफसीआई एफसीआई प्रोक्यूर कर रही है एमएसपी पे तो एमएसपी दे रही है फिर उसके बाद उसका स्टोरेज कॉस्ट है तो इकोनॉमिक कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ एम एस पी प्लस प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंशल कॉस्ट प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल कॉस्ट आर एक्सपेंसिव इनकर्ड ड्यूरिंग दी प्रोक्यूरमेंट टिल दी फूड ग्रेन रीच द फर्स्ट पॉइंट ऑफ गोडाउन तो देखिए जो भी कॉस्ट पड़ रही है एफ सी आई को वो इकोनॉमिक कॉस्ट है और सेंट्रल इश्यू प्राइस कि जो गवर्नमेंट पब्लिक को तीन दो और एक रुपए में दे रही है वो इस्यू प्राइस है और इकोनॉमिक कॉस्ट दोनों का डिफरेंस कंज्यूमर सब्सिडी है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बिकम्स द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट वेयर एज बफर कैरिंग कॉस्ट बिकम्स द पार्ट ऑफ बफर सब्सिडी इसी तरह गवर्नमेंट एफ को बफर सब्सिडी देती है कि एफसीआई को जो रिक्वायरमेंट है फूड ग्रेन की उससे ज्यादा बफर स्टॉक रखना पड़ता है कि कहीं इमरजेंसी में जरूरत ना पड़े जाए तो बफर स्टॉक को रखने के लिए कैरिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट ये सब लगती है तो वो भी गवर्नमेंट एफ को रिम्बर्स करती है जिसे हम बफर सब्सिडी कहते हैं